में इसराइल के इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पर अमरीकी दबाव बढ़ने लगा। 13 अगस्त को ट्रंप की से अमारात और इसराइल मुतराजा माहिदा के बारे में बताए जाने के बाद ये तीनों फरीकन में पहली मरतबा आला सतह का इजलास होगा। इसराइली अखबार के मुताबिक सऊदी अफ्रीका अबू धाबी पहुँच सकते हैं क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर मुसीनियर शेड्यूल के मुताबिक सऊदी अरब को इसराइल मुतहदा अरब अमारात और सऊदी इसराइल के दरमियान होने वाले अमन माहदे में शिरकत के लिए राजी करने की कोशिश करी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पहले ऐलान करा था कि इसराइली वफ़द और ट्रंप के सीनियर मुशीर मशरिक़ वुस्ता के दो ममालिक के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के माहदे पर इत्तेफाक़ के लिए बातचीत के लिए पीर के रोज़ मुतहदा अरब अमारात के लिए रवाना होंगे। फ़लस्तीनियों ने इस माहदे को सियासी तौर पर हर तरह से मुस्तरद कर दिया और उन्होंने से गद्दारी और पीठ में छुरा घोंपने के मुतारफ़ कर दिया। वाशिंगटन में पहले से तयशुदा प्रोग्राम के कबल जेरी कुश्नर और उनके साथी सऊदी वलीद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अबू धाबी के आला अहदेदारों और सफ़ीरों की आमद के मौके पर अबू धाबी में एक मुलाकात के लिए काम कर रहे हैं। इसराइली वक्त की सरबराह कौमी सलामती कौंसल की रहनुमा करेंगे। मशरिक़ वुस्ता की खबर एजेंसी से पहले इंकशाफ करा कि MBS ने नेतन्याहू से मुलाकात की अमरीकी दारुलहुकूमत के प्लान को फौरी तौर पर रद्द कर दिया जब उन्हें शक हुआ कि इस मुलाकात की खबर मीडिया पर लीक हो चुकी है और यह मुलाकात ममलिकत और मोहम्मद सलमान के लिए डरावना ख्वाब साबित हो सकती है।